नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर की तरफ से तृतीय श्रेणी की बम्पर भर्ती निकले, जिसमें 83 पदों के लिए एक साथ भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। तो चलिए मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, जो कि सीधी भर्ती हेतु यह विज्ञापन है, कब तक आपको फॉर्म भरना है, कब से फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है, साथ ही साथ कैसे आपके भर्ती पैटर्न रहेगा, भर्ती प्रक्रिया, कौन कौन इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, क्या उम्र रहेगी, सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। तो आवेदन प्रस्तुत करने की जो प्रारंभिक तिथि है 29/6/2023 प्रातः 11 बजे से स्टार्ट हो चुका है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि है 13/7/2023 शाम 5 बजे तक रहेगा, मतलब 13 जुलाई तक। कार्यालय जिला सत्र न्यायाधीश बिलासपुर की सामान्य स्थापना में निम्नानुसार स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोग्राफर टाइपिस्ट आपका हिंदी है और स्टेनोग्राफर आपका हिंदी है, साथ ही साथ सहायक गण 3 के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती है। तो भारतीय नागरिकों से प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, भारत के कोई भी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। रिक्त पदों का जो विवरण है, तो आइए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले स्टेनोग्राफर हिंदी का 8 पद है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 1 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए टोटल यहाँ पर 3 पद है, उसके बाद अन्य पिछड़ों के लिए 1 पद और अनारक्षित के लिए 3 पद। उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी की टोटल 7 पद है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है जिसमें मुक्त है, दूसरा अनुसूचित जनजाति 2 पद, अन्य पिछड़ों 1 पद और अनारक्षित जो कि सामान्य के लिए यहाँ पर 3 पद है। उसके बाद सहायक ग्रेड 3 टोटल 68 पद है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए टोटल आपका यहाँ पर 68 पद है, जिसमें आपका 11 टोटल पद अनुसूचित जाति के लिए, जिसमें 7 मुक्त है, 3 महिला, 1 भूतपूर्व सैनिक। उसके बाद अनुसूचित जनजाति 15 पद है, 9 मुक्त है, 4 महिला, 1 भूतपूर्व सैनिक, 1 दिव्यांग। उसके बाद अन्य पिछड़ों का टोटल 10 पद है, आपका यहाँ पर 6 मुक्त है, 3 महिला, भूतपूर्व सैनिक 1 है। उसके बाद है आपका 32 पद अनारक्षित सामान्य के लिए, जिसमें 18 मुक्त है, 9 महिला, भूतपूर्व सैनिक 3 और दिव्यांग 2। इस तरह टोटल लगभग 83 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। अन्य पिछड़े वर्ग के आवेदकों को क्रिमिलियर नहीं होना चाहिए। तो चलिए आपको मैं और डिटेल में बता देता हूँ यहाँ पर क्या क्या रहेगा। भर्ती की पात्रता एवं शर्तें, स्टेनोग्राफर हिंदी पद के लिए जो वेतनमान रहेगा 2800 ग्रेड पे में, मतलब 28,723 के रहेगा स्टार्टिंग। शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, आप सभी जानते भी हैं, तो मैं आपको और बता देता हूँ। अगर आप सामान्य कैटेगरी से हैं तो आपको 45% आपका अंक होना चाहिए स्नातक पास में, और अगर आप ST/SC/OBC से हैं तो 40% अंकों के साथ अगर आप स्नातक पास हैं तो फॉर्म डाल सकते हैं। छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन बोर्ड से यहाँ पर हिंदी शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन का परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र। उसके बाद है किसी भी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार के अंतर्गत कोई भी जो संस्था है या मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा कंप्यूटर DC PGD से या कंप्यूटर में कोई भी डिग्री फॉर्म डाल सकते हैं। साथ साथ अभ्यर्थी को कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की गति 5000 की डिप्रेशन की प्रति घंटा होना चाहिए। गति के संबंध में केवल परीक्षा ली जाएगी, ये गति के संबंध में है, बाकी आपको टाइपिस्ट लगेगा स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी पद के लिए। इसके लिए भी सेम योग्यता रखा गया है। तो आइए 19,500 बेसिक है, ये मतलब 1900 ग्रेड पे में। शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगा, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 45% अंकों के साथ स्नातक और आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 40% स्नातक में रहेगा। और मुद्र लेखन आपका हिंदी मुद्र लेखन या शीघ्र लेखन से परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र, DC PGD से इत्यादि कुछ भी किए हैं आप कंप्यूटर में तो उसमें डाल सकते हैं। अभ्यर्थियों को कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का 5 हज़ार की डिप्रेशन होना चाहिए, इसके संबंध में यहाँ पर परीक्षा ली जाएगी। सहायक ग्रेड 3 पद के लिए 19,500 बेसिक है, मतलब 1900 ग्रेड पे में। शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी, मतलब आरक्षित ST/SC/OBC को 40%, सेम जो ऊपर बताए हैं वैसे 45% अंकों के साथ सामान्य को। उसके बाद DC PGD से या कंप्यूटर के कोई भी डिग्री है तो इसमें फॉर्म आप डाल सकते हैं। अभ्यर्थी की कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग 5 हज़ार की डिप्रेशन होना चाहिए, इसके संबंध में यहाँ पर परीक्षा ली जाएगी। 6 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है, उस समय के अभ्यर्थियों के अनुपस्थित की दशा में भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड रायपुर से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत उसी समय के पुरुष महिला अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। आयु सीमा पात्रता की अन्य शर्तें, 1 जनवरी 2023 को कम से कम आपको 18 वर्ष होना चाहिए और छत्तीसगढ़ से अदर स्टेट वालों, मतलब भारत के अन्य राज्यों वालों को यहाँ पर 30 वर्ष तक अंतिम रहेगा। छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए 40 वर्ष रहेगा और ST/SC/OBC को यहाँ पर 45 वर्ष तक आप फॉर्म डाल सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है, 3 वर्ष की परीक्षा उद्योग पर रहेगी, रेगुलर भर्ती है और इसमें फॉर्म आप जरूर डालिए जो भी अभ्यर्थी है। और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटे के ज्वाल बटन उसको भी प्रेस कर ले ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। जानकारी अच्छा लगे तो लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसका PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा।
या टेलीग्राम में डीके जनरल स्टडीज सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ सब ज्वाइन हो पाएंगे, तो इसको वहाँ पर मिल जाएगा। और आवेदन कैसे आपको प्रस्तुत करना है, आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में ही प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 13/7/2023 संध्या 5 बजे तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोग्राफर टाइपिस्ट हिंदी या सहायक गणितज्ञ जिस पद हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है उन पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो जिला सत्र न्यायाधीश बिलासपुर के कार्यालय में रखें, जो बॉक्स है उस पर डाल सकेंगे। पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्टर या इत्यादि माध्यम से अगर आप आवेदन भेजते हैं तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। 13/7/2023 की संध्या 5 बजे के बाद भी अगर आवेदन प्राप्त होते हैं तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास, दिव्यांग आदि संबंधित समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है, मतलब सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको यहाँ पर लगानी है। और ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहते हैं उन्हें पृथक पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिस पर स्पष्ट रूप से आप आवेदित पद का नाम लिख देना जरूरी है। साथ ही साथ आवेदन पत्र में आवेदक की स्वप्रमाणित न्यूनतम फोटो चस्पा होना चाहिए तथा आवेदन पहचान पत्र के रूप में आधार, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें जरूर है। आवेदन पर जहाँ पर आवेदक के हस्ताक्षर अनिवार्य है वहाँ पर बिना हस्ताक्षर आवेदन पत्र फोटोग्राफ एवं आवेदित पद की अर्हता से संबंधित वांछनित के अभाव में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये जानकारी थी, कुछ भी डाउट नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसकी जो वेबसाइट है districteco.go.in पर कंटिन्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो भर्ती प्रक्रिया है मेरिट के आधार पर रहेगी, यहाँ पर देख सकते हैं 10 गुना से अधिक उम्मीदवार यहाँ पर आते हैं तो आपका मेरिट रहेगा। तो आइए मैं बता देता हूँ, यदि विज्ञापन रिक्त पदों के विरुद्ध 10 गुना से अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी या सहायक गणितज्ञ के पद चयन हेतु एक प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, मतलब प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी। यदि एक ही अभ्यर्थी द्वारा स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी, सहायक गणितज्ञ के पद हेतु पृथक पृथक एक से अधिक पद हेतु आवेदन प्रस्तुत किए हैं तो एक ही प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिस कारण उक्त अभ्यर्थी द्वारा उक्त प्रारंभिक परीक्षा में अर्जित किए गए अंक हेतु सभी जितने भी आवेदित सभी पद पर विचार किए जाएंगे। अभ्यर्थी को परीक्षा की सूचना जिला सत्र न्यायाधीश बिलासपुर के कार्यालय वेबसाइट districteco.go.in बिलासपुर के माध्यम से प्रदान की जाएगी। परीक्षा की सूचना अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से प्रेषित नहीं की जाएगी, इसलिए किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा की सूचना प्राप्त नहीं होती अथवा विलंब से प्राप्त होती है तो उसके लिए कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। इस संबंध में अभ्यर्थी स्वयं सचेत रहे। प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। उक्त प्रश्न सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, समसामयिकी एवं कंप्यूटर आदि विषयों से संबंधित होंगे। उक्त परीक्षा की अवधि 1 घंटे होगी। प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक होंगे, जिसमें कोई ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। प्राप्त अंकों के आधार पर प्रश्न सूची तैयार कर एक पद के विरुद्ध 10 के अनुपात में अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आहूत किया जाएगा, किंतु प्रारंभिक परीक्षा में अर्जित अंक अंतिम चयन हेतु आयोजित कौशल परीक्षा के अंक में नहीं जोड़े जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के पूर्व जिला जो बिलासपुर न्यायालय के कार्यालय वेबसाइट पर अवगत कराया जाएगा। द्वितीय चरण कौशल परीक्षा लिया जाएगा, सभी के लिए अलग अलग है। कौशल परीक्षा जो स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 2 मिनट 30 सेकंड में पर जिसे परीक्षा निर्धारित 20 मिनट में सीमा में आपको शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना है। कौशल परीक्षा 100 अंकों की होगी। डिटेक्शन सूत्रलेख आदि प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा अंक काटा जाएगा और ये सब रहेगी उबंतु लिनक्स लिब्रे ऑफिस में लिखा जाएगा। स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी के लिए कौशल परीक्षा सेम है, 100 अंकों की होगी और सेम 1 अंक काटा जाएगा और 20 मिनट में आपको लिखना है। सहायक गणितज्ञ के लिए 250 शब्द गद्यांश टाइप करना है 10 मिनट में, जो कि 100 अंकों की रहेगी और 150 मतलब 1/2 यहाँ पर माइनस रहेगा और इसमें लिखना है ये सब दे दिया। चयन सूची में प्रतीक्षा सूची 1 साल के लिए वैध रहेगा। 1:3 में बुलाया गया है, 1:3 के तो ये रहेगी। महत्वपूर्ण निर्देश है, सारी डिटेल आप पढ़ सकते हैं फॉर्म डालने से पहले। कुछ भी डाउट्स हो नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको यहाँ पर रिप्लाई दिया जाएगा। आवेदन पत्र का प्रारूप ऐसा रहेगा, जिस भी पद के लिए आप फॉर्म डालेंगे ऊपर में आपको लिख देना है और यहाँ पर आवेदक का स्वहस्ताक्षर न्यूनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा। फॉर्म सिंपल है, इसी फॉर्मेट को आप निकलवा लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में सीधे डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं या नीचे आपको लिंक दिया हुआ है वहाँ से भी आप ज्वाइन हो पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।